वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज जुड़े हैं आप सभी, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है दोस्तों। मोस्ट वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, क्रैक यूपीएससी सीएससीजीएस विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। अभिषेक जी नमस्कार आपको। चलिए प्रियंका सालू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जुड़े आप सभी। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे लाइव है। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी लाइव हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। चलिए यूपीएससी अनअकैडमी आप देखिए दोस्तों, अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट दोस्तों आप सभी का हो रहा है, जहां पे आप देखें 60 मिनट में सिर्फ 56 क्वेश्चन करना है। 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है दोस्तों, 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। आप सभी जल्दी से जल्दी अपना प्लान कर ले। रीजन आप सभी को बता दूं कि अब इससे बड़ा प्लान आपने नहीं देखा होगा, इससे बड़ा प्लान आप सभी ने नहीं देखा होगा दोस्तों। 10 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप है आप सभी के लिए। तो मोस्ट वेलकम आप सभी, एक बार अपने वीडियो को अपने क्लास को शेयर कर दें। जी मोस्ट वेलकम आप सभी का, मोस्ट वेलकम। चलिए आप देखें दोस्तों, यहाँ पे अभी फीस में भी भारी कटौती कर दी गई है, फीस में भी भारी कटौती कर दी गई है, लेकिन ये कटौती लंबे समय तक नहीं है, ये कटौती है कुछ ही दिनों तक, क्योंकि 1 साल की है फीस और ये कटौती है 17, मतलब फीस में जो भी अभी आपको सुविधा दी जा रही है वो है 17 सितंबर तक। आप देखिए दोस्तों, सिर्फ केवल आने वाले कल तक। तो आप सभी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आप सभी यहाँ पे देखिए, आप सभी की क्लास लाइव है, आप सभी शुरू कर दीजिए, अपनी क्लास में आ जाइए। और दोस्तों आप देखिए, आप सभी की जो फीस है वो है 1 साल की है 40,095 दोस्तों, और 2 साल की है 58,320, 3 साल की है 72,900 दोस्तों। वहीं पे आप देखेंगे प्लस की फीस है, प्लस कम्बो की 46,740 रुपीज़। 2 साल की फीस है 66,643। वहीं 3 साल की फीस दोस्तों आप देखेंगे 80,569 रुपये दोस्तों। आइकॉनिक फीस इसी तरीके से 1 साल की फीस आप देखें 60,345 है। 2 ईयर की फीस दोस्तों 93,758 है। वहीं 3 ईयर की फीस दोस्तों आप देखें 1,24,538। आइकॉनिक कॉम्बो की फीस दोस्तों 63,989 दोस्तों। 2 ईयर की फीस है 97,406 और 3 ईयर की फीस है आपकी 1,28,185 रुपये दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आप देखिए, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन, आपके पास 2 सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जहाँ पे आप सभी को आइकॉनिक पे मिलता है पर्सनल गाइडेंस, एसडी प्लान, एसडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस एनालिसिस। वहीं आप सभी को प्लस में मिलता है दोस्तों लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। 10% डिस्काउंट के बाद आप सभी देखिए, 10% डिस्काउंट के बाद आप सभी 6 महीने की फीस 36,450, 12 महीने की 44,550, 24 महीने की 64,800 दोस्तों, 36 महीने की 81,000। वहीं 12 महीने के आइकॉनिक फीस 67,050 रुपीज़, 24 महीने के 1,04,175, 36 महीने के 1,38,375 रुपये दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी ऑप्शनल की फीस ले सकते हैं, ऑप्शनल ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ 36 महीने की फीस 45,000, 24 महीने की फीस दोस्तों 36,000 और 12 महीने की फीस आप देखें यहाँ पे 24,750। मोस्ट वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए जुड़े हैं आप सभी अपनी क्लास में। आप सभी की क्लास लाइव है। आज का दिन है जुलाई 2021 को देखने का, जुलाई 2021 दोस्तों आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए दोस्तों। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ लाइव हो गया हूँ। चलिए आप सभी की क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों। एक बार अपने क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे दोस्तों को थोड़ा सा आप सभी से क्लास विलंब से रही, लेकिन आप सभी अपने क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अवलोकन के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग देखें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है रूस भारत को 21
MiG-29 लड़ाकू विमान की आपूर्ति करेगा। दोस्तों आप देखिए हमारी सैन्य शक्ति कितनी मजबूत होती जा रही है। हमारी सेना के अंतर्गत देखा जाए तो देश नहीं दुनिया के सबसे अच्छे संसाधन इकट्ठा किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो आज भारत रक्षा व्यवस्था की स्थिति में पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान में शामिल हो चुका है। क्योंकि कहा जाए तो अब कुछ प्रमुख शक्तियों के साथ भारत हमेशा एक से लेकर पांच शक्तियों में शामिल हो जाता है। भारत की बढ़ती शक्ति ये कहीं न कहीं उसके विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आज भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में देश का वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। आज देखें ये जो MiG लड़ाकू विमान है इस बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सेना के लिए, बहुत मजबूत कड़ी के रूप में जुड़ा है। देखिए आप क्या है, वर्ष 2020 में दोस्तों, वर्ष 2020 में भारतीय वायुसेना को रूस ने, आप देखिए 1230 MKI के अलावा 21 MiG-29 लड़ाकू जेट विमान भी खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। हाल ही में आई खबरों में रूस की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि रूस भारत को 21 MiG-29 विमानों की आपूर्ति करेगा। भारतीय वायुसेना ने, भारत सरकार ने रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदने का आग्रह किया जिसमें 12 सुखोई और 21 MiG-29 हैं। तो दोस्तों आप देखिए 12 सुखोई और इसके साथ कुल मिलाकर के 21 MiG-29 लिए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-29 लड़ाकू विमानों के एयर फ्रेम की जांच के लिए अध्ययन किया जा रहा है। आखिर उसकी क्वालिटी क्या होगी कि हमारे लिए कितना उपयोगी होगा, इस सब की जांच चल रही है। वर्तमान में वायुसेना के पास MiG-20 के 3 स्क्वाड्रन हैं जो नियमित रूप से अपग्रेड होते हैं और विभिन्न वायु रक्षा भूमिकाओं के लिए विश्वसनीय माने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि देश की रक्षा व्यवस्था जितनी ही मजबूत उतना ही हमारी वैश्विक नीति अत्यधिक मजबूत मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों इन सब चीजों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं MiG-29 क्या है। दोस्तों सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया मिकोयान मिग, राइट, मिकोयान मिग ट्विन इंजन वाला, ट्विन वन इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे 1970 के दशक के दौरान सुखोई 27 के साथ F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-15 ईगल जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था। आप देखेंगे 1982 में MiG-29 ने सोवियत वायुसेना के लिए सेवा में प्रवेश किया। ठीक है, अब यहां देखिए यह विमान हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और कई अन्य सामग्रियों से लैस माना जाता है। ठीक है, कई अन्य सामग्रियों से लैस माना जाता है। दोस्तों देखिए प्रोजेक्ट, अब अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या है, उपलब्धि क्या भारत की। लगातार आप बढ़ती उपलब्धियों को देख रहे हैं, भारत में हर चीजों में सुधार हो रहा है, एक बेहतर सुधार हो रहा है। आने वाले भविष्य में भारत महाशक्ति के रूप में दिखाई देगा दोस्तों, जहां हमारे देश की युवा शक्ति के साथ हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था, हमारा आत्मविश्वास, हमारी महत्वाकांक्षाएं लगातार सकारात्मक पहल में कार्य कर रही हैं। वहीं आप देखेंगे नित नई योजनाएं भी कहीं न कहीं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया, एक बहुत बड़ी बात, आप देखिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है। आपसे दोस्तों प्रश्न के रूप में इसे पूछ दिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि प्रश्न के रूप में हो सकता है कि प्रीलिम की एक स्थिति हो, वो अपना एक क्राइटेरिया बना के चलती है, लेकिन दोस्तों मेंस के लिए आप सभी देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। ठीक है, आप देखें प्रोजेक्ट 75 इंडिया सरकार के 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कितने दोस्तों, सरकार के ने 6 पनडुब्बियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। आपको सुनने में पता चलता होगा कि वाकई में कितनी बड़ी धनराशि है, लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, अगर देश की रक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, देश का तटीय क्षेत्र, वायु क्षेत्र, थल क्षेत्र ये अगर मजबूत नहीं होंगे तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होंगे। आप अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं, आज वर्तमान में आप अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं, क्यों हुआ अफगानिस्तान के साथ ऐसा? आखिर एक बात तो आप मानते ही हैं
कि अगर अफगानिस्तान के पास सैन्य शक्ति बेहतर और मजबूत और संगठित तथा आधुनिक रही होती तो कहीं ना कहीं आप जो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि फिर तालिबान की स्थिति अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ने की नहीं होती। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दोस्तों अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान के सामने अपनी सैन्य क्षमताओं को लेकर के कमजोर हुआ, जिसके आधार पर अफगानिस्तान तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया। राइट है, तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही जिसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई भी दे रहा है, बढ़ती शक्ति के रूप में दिखाई भी दे रहा है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार के 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। आप समझिए, ये पनडुब्बियां स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी, जिन्हें मुंबई के मसगांव डकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पनडुब्बी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। लार्सन एंड ट्रूबो मजगांव डकयार्ड लिमिटेड को टेंडर जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये टेंडर उसे जारी कर दिया गया है। एक बार अपनी क्लास को शेयर कर लें ग्रुप में। श्रुति बेटा शेयर कर दो क्लास अपनी को, संजू है ना, प्रियांशु, आप सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर दें, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें बेटा, है ना। चांदनी मोस्ट वेलकम बेटा आपका। ठीक है, चलिए देखिए, ये दोनों भारतीय कंपनियां अब जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, स्पेन की फर्मों सहित 5 वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं में से एक भागीदारी की का चयन करेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब मझगांव डकयार्ड लिमिटेड के द्वारा अब इन विदेशी कंपनियों में से, ठीक है, किसी का चयन किया जाएगा और उसके साथ में, ठीक है, उसके साथ में अब क्या होगा, आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, कैसे बनाया जाए। तो आप प्रोजेक्ट 75 जब भी कभी आएगा आपके सामने तो दोस्तों आप समझ पाएंगे कि क्या है। एक बार आप एग्री करें और अपने लाइक्स दें, बताएं कि आप क्या समझ गए कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 दोस्तों भारत में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बियों के निर्माण से रिलेटेड है, जिसकी लागत है 50,000 करोड़ रुपया दोस्तों। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, मुंबई के मझगांव डकयार्ड्स लिमिटेड को दी गई है। राइट है ना, बिल्कुल। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। यह पनडुब्बी भारी भरकम मारक क्षमता से लैस होगी और इसमें न्यूनतम 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल होंगी, एंटी शिप क्रूज मिसाइल होगी। दोस्तों आप देखिए बहुत बड़ी कहा जाए फैसिलिटी से लैस होगी ये हमारी मिसाइल्स, हमारे देश की मिसाइल। तो अब देखिए भारत को रक्षा उपकरण निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह परियोजना को अंजाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस परियोजना को अंजाम दिया गया है। इस परियोजना का अन्य उद्देश्य देश में एक अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है। आप देखिए जो भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। राइट दोस्तों, क्या होगा, जो भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी परियोजना, एक बहुत ही शानदार परियोजना जिससे देश के भविष्य को बेहतर तरीके से आंका जा सकता है। हमारी रक्षा तकनीकी में बहुत बड़ा सुधार, एक बहुत ही बड़ा सुधार दोस्तों यहाँ पे हो रहा है रक्षा तकनीकी में। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए प्रोजेक्ट 75 क्या है दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया बड़ी में मेक इन इंडिया परियोजना में से एक है। अगर ये लाइन भी आ जाए तो दोस्तों आप एग्री करेंगे, यहाँ पे करेंगे एग्री ना, कि ये मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाई जा रही है मेक इन इंडिया परियोजना। आप देखेंगे जिसके द्वारा जिस जिसे सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। यह किसके लिए, तो दोस्तों इसका प्रोजेक्ट क्या होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है,
बिल्कुल भारद्वाज जी, मैंने बताया कि 50,000 करोड़, राइट है ना, 50K CR, 50,000 करोड़ इसका प्रोजेक्ट है दोस्तों। इंडिया फर्स्ट इंडिगियस एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी कमीशन नेक्स्ट ईयर। आप देखें यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे परमिशन दे दी है और ये अगले साल तक हमारी सेना का एक भाग हो जाएगा, हमारी सेना का एक अंग बन जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं आप। 2020 इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट जारी किया गया, आप देखिए 2020 इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। इसमें देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सबसे टॉप 10 वैल्यूएबल स्टेट एज पर 2020 लाइटिंग काउंट आप देखा गया है यहाँ पे। तो आप देखिए इसको, एक सीरीज को देखिए, एपिसोड्स रॉस बाई 23% इन 2020, इंडिया टोटल लाइटिंग प्लस पल्स आप देखिए 39.55 मिलियंस यहाँ पे है। देखते हैं इसके बारे में, पूरी डिटेल लेते हैं, कंप्लीट डिटेल लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। डिटेल क्या है कि 2019 की तुलना में पिछले साल भारत में आसमानी बिजली गिरने से 22.6% की वृद्धि हुई। आप देखिए यहाँ का खुलासा अर्थ नेटवर्क के द्वारा हुआ। रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में सबसे अधिक आसमानी बिजली गिरी। क्या हुआ दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको आसमानी बिजली गिरी है। कंपनी के टोटल लाइटिंग नेटवर्क द्वारा पिछले साल भारत में 39.5 मिलियन से अधिक पल्सेस का पता लगाया गया, जिसमें से 12,22,402 खतरनाक क्लाउड टू ग्राउंड स्ट्राइक्स किए गए। अब देखिए दोस्तों, भारत में 7,447 खतरनाक आंधी अलर्ट जारी किया गया, जिसमें सर्वाधिक कहाँ तूफान की संभावना रहती है, तो कहा जाए तमिलनाडु के क्षेत्रों में सर्वाधिक ये संभावनाएं व्यक्त की गई, सर्वाधिक संभावनाएं वहां देखी गई, तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्वाधिक संभावनाएं देखी गई। आप रीड करते जाइए कंटेंट को। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डेंजरस थंडर स्टोर्म अलर्ट रैंकिंग, द फर्स्ट इज तमिलनाडु 1323, सेकेंड इज आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, अनदर उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट। आप देखें इसको, एक रैंकिंग है आप सभी के सामने, देखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार। आप औसत देखें, सर्वाधिक सबसे ज्यादा तमिलनाडु में देखा गया दोस्तों, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आप देखेंगे उड़ीसा, इसके बाद लगातार घटते क्रम में आप देखें बिहार में सबसे कम की औसत को देखा गया। आप एक बार बता सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसा है दोस्तों। वर्ष 2020 में भारत में मानसून के मौसम के कारण मई जून और सितंबर के महीने में बिजली की सबसे अधिक सांद्रता देखी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने और भीषण मौसम के खतरे भारत की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। भूमध्य रेखा और हिंद महासागर से देश की निकटता के कारण भारत अत्यधिक मात्रा में नमी और गर्मी का अनुभव करता है, और पूरे दक्षिण एशियाई देश में अचानक और तेज आंधी में योगदान देता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2001 से भारत में हर साल 2360 लोग बिजली गिरने से मरते हैं।
अब देखते हैं लाइटिंग से कितने लोग, 2360 लोग प्रतिवर्ष बिजली गिरने से जिनकी मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा आंकड़ा है, एक दुखद आंकड़ा है। प्रकृति के इस प्रकोप से न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है प्रत्येक वर्ष। दोस्तों यह एक आपदा माना जाता है। चलिए अब आप सभी के साथ मैं आप सभी का दोस्त मयंक द्विवेदी, दोस्तों मेरा कोड आप सभी को पता है, मेरा कोड है मयंक वन। दोस्तों लास्ट आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, अभी आप देखें आप 17 तारीख तक, दोस्तों 17 सितंबर तक आप सभी के पास एक ऑफर है। आप सभी जल्दी से जल्दी दोस्तों अपना एनरोलमेंट करा लें, अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि फीस जैसे ही बढ़ जाएगी तो आप सभी को फिर इसमें बाधा हो जाएगी आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021, टाइटन ने जीता फाल्मे डी ओर। ठीक है, अब देखिए बहुत ये बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया पवेलियंस के 17th कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रेजेंटेशन दिया, अपना प्रेजेंट किया अपने आप को, और कांस फिल्म फेस्टिवल में टाइटन नाम की फिल्म ने जीते हैं पाल्मे डी'ओर पुरस्कार। बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान के साथ बारिश है, तो मतलब हर जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। इधर भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिलहाल आप समझिए कई दिनों से ऐसा हो रहा है। जाते हुए मतलब कहा जाए तो इस मानसून में अभी जैसे ही, अब क्योंकि ठंडक अब शुरू होने वाली है, तो उसके लिए पूरी तरीके से भूमिका बनाई जा रही है और बहुत बारिश हो रही है। मतलब आप दिल्ली लखनऊ मतलब हर जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत बारिश है। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी अपना ध्यान रखते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, टाइटन फिल्म की फ्रांसीसी निदेशक जूलिया डुकार्नो पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर जीतने वाली पहली महिला निदेशक बन गई। बहुत बड़ी खबर, बहुत, जब ऐसी बात आए आपके लिए कि पहली बार यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, पहली बार उन्होंने ये कर दिया, पहली बार ये जीता गया, तो दोस्तों आप सभी को फिर से क्या होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर जीतने वाली पहली महिला निदेशक बनी कांस फिल्म फेस्टिवल 2021। आप देखेंगे 18 जुलाई 2021 को ग्रैंड थिएटर लुमियर में कार्यक्रम के समापन समारोह में 74वें कांस फिल्म महोत्सव के पुरस्कार प्रदान किए गए। इस उत्सव का विजेता पुरस्कार द ग्रैंड प्रिक्स दो फिल्मों द्वारा साझा किया गया। वे फिनिश निर्देशक जूहो कोसमैनन की कंपार्टमेंट नंबर 6 और ईरानी असगर फरहादी की ए हीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न आप सभी के सामने बन सकता है। देखिए कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे सीरीज को देख रहे हैं तो पर महीने जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आ सकता है, मैं उसे आप सभी के सामने भेज दे रहा हूँ कंप्लीट डिस्कशन के साथ में। दोस्तों आप सभी को प्रश्न आधारित एक एक नोट्स के साथ में, तो आप सभी इस बात से एग्री करते हैं। देखिए पॉप ओपेरा म्यूजिकल एनेट के लिए लेवोस करेक्ट्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, वहीं कालेब लैंड्री जोन्स ने निट्रॉम में अपने मुख्य प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वहीं नॉर्वेजियन रेनेट रिंसवे ने द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। पाल्मे डी ओर जीतने वाली पहली महिला बनी न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन वर्ष 1993 में।
द पियानो के लिए पाल्मेडी और जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। आप ध्यान रखिएगा, पाल्मेडी और जीतने वाली पहली महिला के रूप में इन्हें पहचाना गया है। न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन वर्ष 2019 में द पियानो के लिए पाल्मेडी और जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहली महिला बन गई है दोस्तों ये। दोस्तों देखिए, कांस फिल्म समारोह के बारे में अगर हम लोग जाने तो यह एक वार्षिक फिल्म समारोह है जो कांस फ्रांस में आयोजित किए जाते हैं। इस उत्सव में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्री सहित सभी शैलियों की फिल्मों का प्रीव्यू किया जाता है। इस उत्सव की स्थापना 1946 में की गई और दोस्तों आप देखेंगे 1951 में इसे औपचारिक रूप से, है ना, फिफ्थ द्वारा मान्यता दे दी गई। यह बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जर्मनी और इटली में वेनिस फिल्म फेस्टिवल के साथ बिग थ्री इंपॉर्टेंट यूरोपियन फिल्म सबमिट है दोस्तों, फिल्म फेस्टिवल है। यह भी फाइव प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में, तीन यूरोपीय और कहा जाए अमेरिका में संडांस फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कनाडा के साथ पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल, पांच प्रमुख फिल्म फेस्टिवल में शामिल है कांस। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये मुख्य कलाकार अपनी भूमिकाओं में कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार विजेताओं के चेहरे की ललक ही बताती है कि वाकई में एक बड़ा पुरस्कार जीता है इन्होंने अपने जीवन का, एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है इन्होंने। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी हमारे देश की भी कई फिल्में यहाँ पे जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि जी बिल्कुल जीत सके हम भी यहाँ पे पुरस्कार, और लगातार प्रयास हमारे फिल्मों में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कलाकारों के द्वारा लगातार की जा रही है। अब देखिए अगला हम लोग आपसे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में एक जयनगर, बिजलपुरा और बर्दिवास के बीच, अब देखेंगे भारत में जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया जा रहा है, राइट, है ना, सफल परीक्षण किया जा रहा है ना। अब देखिए रेल परियोजना दोस्तों क्या है, ये है 34.50 किलोमीटर तक का तय किया जा सकेगा फर्स्ट फेज में सफर। पहले चरण में मधुबनी के जय नगर स्टेशन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा जाएगा, जहां कुर्था से लगभग 18 किलोमीटर आगे विजलपुरा तक इसका विस्तार किया जाएगा, विजलपुरा तक इसका विस्तार किया जाएगा दोस्तों। फिर आप देखिए यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना हो जा रही है, प्रीति, काफी लेट हो गए बेटा प्रीति। अठारह जुलाई 2021 को भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया गया। इस रेलखंड की लंबाई 34.50, और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड होगा दोस्तों, जो नेपाल के मोहतारी जिले में कुर्था को बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा, नेपाल के मोहतारी जिले में कुर्था को बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से जोड़ेगा। इस रेलखंड की कुल लागत जो है वो 619 करोड़ रुपए आ रही है। कितनी दोस्तों? 619 करोड़ रुपए लागत आ रही है। इरकॉन ने भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत जयनगर कुर्था रेलवे की स्थापना की है। इरकॉन एक कंपनी है जो जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, और इसके द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा रहा है, इसके द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों पूरा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में भी हाल ही में बनाई जा रही नेपाल किस देश के साथ में रेलवे की प्रणाली शुरू है, तो नेपाल के साथ में दोस्तों, और कहां से कहां तक, तो भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था से इसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे
पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा की गई घोषणा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ तकनीकी और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जल्द ही इस खंड पर ट्रेन की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। 34 किलोमीटर की बची हुई रेल लाइन को दो चरणों में बनाया जाएगा। दूसरा खंड जो 17 किलोमीटर लंबा है, कुर्था और भंगहा को जोड़ा जाएगा। जबकि देखा जाए 17 किलोमीटर लंबे तीसरे चरण को भंगहा से बद्रीबास तक जोड़ने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों कहा जाए कि यह परियोजना अब कहां से कहां तक है, तो जयनगर से लेकर कुर्था। भारतीय रेल द्वारा नेपाल में दो आधुनिक डेमो ट्रेनों की डिलीवरी की गई है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा, अब तो भारत ने अपनी कहा जाए विशेषताओं में, भारत ने अपने आर्थिक और कहा जाए निवेश के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों को बहुत बड़ी तरीके से बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफी तेज से विकास भी देखा जाएगा। दोस्तों अब देखिए इरकॉन्स क्या है। अब देखिए इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को इरकॉन कहा जाता है। अब देखिए भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। यह एक निर्माण और इंजीनियरिंग निगम है जो परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे में माहिर है। इसकी स्थापना 1976 में भारत के साथ साथ विदेशों में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के निर्माण के प्राथमिक उद्देश्य की जाती है। और देखेंगे वर्तमान में इरकॉन ने भारत में 1650 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और 31 देशों में दुनिया भर में 900 से अधिक मुख्य परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस समय एमके सिंह इरकॉन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एमके सिंह वर्तमान के अध्यक्ष माने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल अर्जुन सक्सेना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मित्र आप सभी का प्यार मेरी ऊर्जा को बरकरार रखता है। चलिए आप सभी इसी तरीके से विश्वास बनाए रहें। और दोस्तों आप सभी का बस एक काम यह है कि अनअकैडमी, क्योंकि देखिए थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि घर में रह करके सुरक्षित हम जितना पढ़ सकते हैं, उतना बाहर जा करके हम लगातार जब अपने क्लासेस से बाहर जाते हैं, आने जाने का समय, वहाँ रहने खाने पीने का समय, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स, ये चीज़ों से बेहतर है कि हम सभी घर में बैठ करके आसानी से पढ़ें। तो जरूरी है दोस्तों आप सभी को इस प्लान को समझना, क्योंकि आप सभी के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बेटर ऑप्शन चुनना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। अमेरिका क्वाड, देखिए दोस्तों अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान मिलकर क्वाड समूह बनाएंगे। अब देखिए अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान मिलकर के क्वाड समूह बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो अफगानिस्तान में सत्ता ही बदल गई। शायद ये न्यूज़ अब एक मजाक सा ही लग रहा होगा। क्या कहते हैं आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि गनी साहब तो चले गए, ठीक है, अब वहाँ बरदारी साहब आ गए हैं, अब उनका एक अलग ही मैटर होगा, ठीक है, उनका तो अलग ही मैटर होगा। अब यहाँ से आप चले गए अमेरिका, तो चलिए अभी बाइडेन साहब हैं यहाँ पे, लेकिन एक चेहरे को दिखाया गया है बस, है ना, ये चार प्रमुख शक्तियाँ मिलकर के समझौता करेंगी, जो अब शायद है या संभव है, ठीक है। अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान की क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए एक चतुर्भुज राजनयिक मंच क्वाड की स्थापना की जाएगी। दोस्तों अब देखिए एक समझौता, एक सैद्धांतिक समझौता होगा। स्क्वाड ग्रुप की घोषणा बाइडेन के प्रशासन ने की है। किसके? बाइडेन प्रशासन ने की है। अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, इन्होंने इसकी घोषणा की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के कारण अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा के बीच अमेरिका अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा नया चतुर्भुज समूह बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रशासन के अनुसार इस नए क्वाड समूह की प्राथमिक ध्यान क्षेत्रीय संपर्क और अफगानिस्तान देश को बढ़ाने पर होगा। दोस्तों अब देखिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है आप सभी के लिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि
पार्टियों के फलते फूलते अंतर क्षेत्रीय व्यापार मार्गों को खोलने के इस अवसर को पहचाना जाएगा। पार्टियां ट्रांजिट लिंक बनाने, व्यापार पर विस्तार करने तथा व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आपस में सहयोग करेंगी। इन चारों देशों ने आपस में सहयोग समझौते और आर्थिक सिद्धांतों को एक साथ लागू करने के लिए राजनयिक संबंधों को ज्यादा महत्व दिया है। अब देखिए क्वाड समूह की बैठक, यह चार राष्ट्र अपने आने वाले कुछ महीनों में आपसी सहमति से इस क्वाड सहयोग के लिए विभिन्न तरीके तैयार करेंगे और आप देखेंगे उनमें बैठक शुरू करेंगे दोस्तों। इस तरीके से बैठक करेंगे तो देखिए क्वाड समूह बन गया है, लेकिन अभी कहा जाए तो अफगानिस्तान की सरकार बदलने के कारण पूरी तरीके से इस समूह का अप्रासंगिक होना स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी थोड़ा सा वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, आप सभी लाइक और शेयर दे दें आप सभी वीडियो को। चलिए अभी हम लोग देखते हैं आर्थिक इकोनॉमिक, ठीक है। देखिए IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी कर रहा है, जहां पे ग्रोथ प्रोजेक्ट देखा जा रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का जो रेशियो है वो ग्रोथ पे दिखाई दे रहा है, एडवांस इकोनॉमी और इमर्जिंग मार्केटिंग सिस्टम को दिखाया गया है यहाँ पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी 2021 अप्रैल महीने में ये रिपोर्ट जारी की गई, अप्रैल महीने में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी और इमर्जिंग मार्केटिंग डेवलपिंग इकोनॉमी को बेहतर तरीके से यहाँ पर इमर्ज करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, त्रिलोक रंजन भाई पटेल जी, आप बस अगर आप इतना कर दें तो आप माना जाएगा कि आप एक अच्छे छात्र भी हैं। ठीक है, लक्ष्मण काफी देर हो गई बेटा आने में तुम्हें। ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5 किया है। इसे पहले 12.5 जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया। COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर का हवाला देते हुए जीडीपी पूर्वानुमान में कटौती की गई है। पूर्वानुमान में कटौती की गई है। आप देखें COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर का हवाला देते हुए जीडीपी में कटौती की गई है। दोस्तों मार्च से मई के महीने में मार्च से मई के महीने के दौरान दूसरी लहर के कारण भारत की विकास संभावना कम हो गई है। अभी देखिए पूरी दुनिया में विकास की संभावनाएं लगभग लगभग जो उनकी जीडीपी थी उसमें नुकसान पहुंचा हुआ है, और अब देखें और उसकी उम्मीद की रिकवरी भी धीमी हो गई, अर्थात जो विकास का स्तर है वो धीमा रहेगा कुछ वर्षों तक। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के किसी भी देश में तब तक रिकवरी का आश्वासन नहीं दिया जा सकता जब तक पूरी आबादी कोविड वायरस से बाहर नहीं निकल जाती। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए IMF को 8.5 की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है, जो कि अप्रैल में 6.9 से अधिक रही है। अब देखिए लगातार कोविड का जो प्रभाव है वो नो कोविड का प्रभाव जो है वह बहुत वैश्विक स्तर से अभी भी पड़ता जा रहा है। ठीक है, S&P अब ग्लोबल रेटिंग ने विश्व वर्ष, अब देखिए वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 9.5 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.8 की वृद्धि का अनुमान लगाया है। लेकिन दोस्तों अभी हाल में क्या होगा इकोनॉमी का स्तर, अगर थर्ड वेव आ जाता है, अगर आप यहाँ देखें थर्ड वेव अगर हमारे पास आ जाता है
दुनिया में, और संभावना दिख भी रही है थर्ड वेव की, क्योंकि अमेरिका में इसकी संख्या, कोविड की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, इराक ईरान में भी वृद्धि देखी जा रही है, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी वृद्धि देखी जा रही है। तो माना जा रहा है कि कोविड की समस्या तो अभी बनी रहेगी, लेकिन क्या होगा इसका इम्पैक्ट, तो ये आने वाले समय में इसको देखा जा सकता है दोस्तों। आरबीआई ने भी 9.5 ही इसकी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने भी इस पे वृद्धि दर में अनुमान जो लगाया है वो 9.5 लगाया है दोस्तों, 9.5 लगाया है। तो आप देखेंगे कि लगातार उनमें भी कटौती की गई है, उस ओर भी कटौती की गई है। जी बिल्कुल, कोविड से क्वेश्चन बनेगा आप सभी से इंटरव्यू में बनेगा कि अगर आप एक डीएम होते, एक जिले के जिला अधिकारी होते, तो आप कोविड सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करते? ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है भारद्वाज, क्या होगा ये तो आने वाला दौर ही देखेगा, बताया जाएगा। देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी 8.3 रहने का अनुमान लगाया है। कितना रखा है? 8.3 रखा है। वहीं एशियाई विकास बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के अनुसार अनुमान 11% से घटा करके 10% कर दिया है, 11% से घटा करके 10% कर दिया गया। अब विश्व अर्थव्यवस्था को देखें दोस्तों, तो आईएमएफ द्वारा प्रकाशित नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्ष 2021 में 6% और वर्ष 2022 के लिए 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार जारी है, लेकिन यह अंतर विकासशील उभरती तथा उन्नत अर्थव्यवस्था के बीच की खाई को चौड़ा कर रहा है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे आईएमएफ के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया की सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति 2.8% की कमी की है, प्रति व्यक्ति 2.8% की कमी इसके अंतर्गत की गई है दोस्तों। लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्ट 2020, 2021 और 2022 को देख सकते हैं दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था रही है वो उसको नुकसान तो हुआ ही है, ठीक है ना। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अगर एक सीक्वेंस में हम लोग देखें तो कहीं की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव नहीं रही है, आप ध्यान ध्यान रखिएगा। हर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कोविड का असर जो है वो नकारात्मक पड़ा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग साइंस टेक की ओर चलते हैं। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुक्त कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है। अभी क्या है, पढ़िए देखिए दोस्तों ये न्यूज। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुक्त कोविड-19 वैक्सीन सोबराना 2 विकसित किया है दोस्तों। कौन सा, इसका नाम क्या है? सोबराना 2 विकसित किया है। सोबराना 2 विकसित किया। जब सोबराना प्लस के बूस्टर शॉट के साथ सोबराना 2 वैक्सीन दिया गया तो यह रोग सूचक कोविड-19 मामलों के खिलाफ 21% सॉरी 91% प्रभावी रहा। आप सोचिए, अगर इस टीके को मंजूरी मिल जाती है तो क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हो जाएगा। देखिए, कहा जाता है साइंस और टेक के मामले में पूरी दुनिया में अब विकास की स्थिति देखी जाती है, प्रत्येक स्थितियों में विकास को निर्धारित किया जाता है। ये है सोब्राना, फाइनली FR1 तैयार हो चुका है, सोब्राना वैक्सीन तैयार की जा चुकी है
और अब ये देखिए 91% कारगर बताई जा रही है, 91% कारगर कि जिसको लग जाएगा ये वैक्सीन वह 91% सेफ रहेगा। अब पूरी दुनिया की लेबोरेटरी में इसकी जांच चल रही है, अगर पूरी दुनिया की लेबोरेटरी में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो अपनी स्थिति में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सोवरान टू का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? सोवरान टू वैक्सीन को 3 खुराक में लगाया जाएगा, इसमें सोवरान टू के 2 शॉट और सोवराना प्लस के 1 शॉट को शामिल किया गया है। इसमें आप देखिए इसकी डेट जो रखी गई है, एक तो आप पहले दिन लगवा लेंगे, फिर उसके 28 दिन बाद लगवा देंगे, फिर 56 दिन बाद लगवा करके तीनों वैक्सीन का आप कवर कर सकते हैं इसमें। हम देखते हैं कि वैक्सीन का विकास किसने किया। सोवराना टू श्रीलंका के 3 टीकों में से एक है, इन्हें फिनेल इंस्टीट्यूट द्वारा सेंट्रल फॉर मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी एंड द नेशनल बायो प्रिपरेशंस सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया। क्यूबा में 4 अन्य टीके भी विकसित किए गए हैं। आप देखिएगा ये सोबराना श्रृंखला है दोस्तों, मैंने मुझे मुझसे श्रीलंका निकल गया शायद, तो श्रृंखला है। आप देखिएगा क्यूबा अन्य 4 टीकों पर भी प्रयास कर रहा है। वैक्सीन का विकास कैसे हुआ? क्यूबा में अभी 5 टीके प्रोटीन टीके हैं दोस्तों, इन टीकों में रास कोव-2 वायरस के से प्राप्त प्रोटीन का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह वायरस मानव कोशिकाओं को बांधता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का ट्रिगर करता है। क्यूबा में वैक्सीन का उत्पादन दोस्तों, क्यूबा 60 से 70% दवाओं का उत्पादन करता है जिनका घरेलू स्तर पर सेवन किया जाता है, और 11 टीके के साथ 13 बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया जाता है, जहां 8 टीकों का उत्पादन क्यूबा में किया गया। अब देखिए एक संयुक्त टीका क्या है? आप देखिए एक वाहक के रूप में मजबूत एंटीजन के साथ में कमजोर एंटीजन को संयोजित करके करने वाले टीके का प्रकार, जिसमें एक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर एंटीजन के साथ प्रति दृढ़ता से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करती है, यह संयुग्म टीका कहलाता है। तो दोस्तों आप देखिए संयुग्म टीका क्या होता है? कंजक्टिव वैक्सीन, मतलब एक कमजोर और एक मजबूत टीके को जो संयुक्त कर देते हैं तो उससे जिस टीके प्रणाली का निर्माण होता है उसे संयुग्म टीका कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के एक नए स्रोत का पता लगाया है। आप देखिए एक गुरुत्वाकर्षण के नए तरंगों का पता लगाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब नए शोध, नए नई चीजें, नई जानकारियां यहाँ उपलब्ध होने वाली हैं। आप देखेंगे वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की टक्कर से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। नाइट्रॉन, आप देखेंगे न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की टक्कर से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। अंतरिक्ष समय दोस्त के ताने बाने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला है कि इसे इस खोज से पता चलता क्या क्या पता चला? देखिए न्यूट्रॉन स्तर स्टार और ब्लैक होल सिस्टम प्रणाली के आधार पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह प्रणाली ब्रह्मांड से संबंधित कई सवालों के जवाब देने में मदद करेगी, जिसमें तारा बनने के बाद बनने से लेकर के ब्रह्मांड की विस्तार दर तक शामिल है। गुरुत्वाकर्षण तरंग कैसे उत्पन्न होता है? यह आकाशीय पिंड टकराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं। आप देखिए टक्कर के बाद आगामी ऊर्जा अंतरिक्ष समय के ताने बाने में तरंग पैदा करती है जो पृथ्वी पर डिटेक्टरों द्वारा कैप्चर की जाती है, पृथ्वी पर डिटेक्टरों द्वारा से कैप्चर किया जाता है। लहरों का पता कैसे चलेगा दोस्तों? आप देखें लिगोस नामक गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वैश्विक नेटवर्क की मदद से 2 खगोलीय पिंडों से तरंगों को दर्ज कर किया जाएगा। अमेरिका में एडवांस लिगो डिटेक्टर्स और इटली के एडवांस विर्गो डिटेक्टर्स ने 5 जनवरी 2021 को एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल से संकेत दर्ज किया। अब देखिए
वही अध्ययन का क्या महत्व है दोस्तों, देखिए इसका क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाना इस बात की पुष्टि करता है कि एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल से युक्त बाइनरी सिस्टम की आबादी अस्तित्व में है। इस तरीके के एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम ब्रह्मांड से जुड़े कई बड़े सवालों के जवाब में मदद मिल जाएगी दोस्तों, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं हम लोग, एमसीक्यू कर लेते हैं। आप सभी बताइए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस संरक्षण ने हाल ही में किन तीन भारतीय गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार हेतु नामित किया है? हाल ही में किन तीन भारतीय गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? दोस्तों देखिए, लखपुरा, कोंगडोंग और पोचमपल्ली। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के तीन गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। इन तीन गांवों में तेलंगाना के पोचमपल्ली, मेघालय के कोंगथोंग तथा मध्य प्रदेश के लखपुरा गांव को शामिल किया गया। तेलंगाना का पोचमपल्ली यादाद्री भुवनगिरी जिले का एक क्षेत्र है जो अपनी पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों रंगाई के लिए इकत शैली का प्रयोग किया जाता है, ज्यामिति पैटर्न का ही है। दूसरी तरफ मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स में कोंगथोंग गांव अपने मनोहर परिदृश्य के कारण पर्यटनों को आकर्षित करता है। वहीं आप देखेंगे यह गांव अपनी साख धुन जिंजरबाई इबाबी के कारण भारत के विस्लिंग गांव के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लखपुरा गांव भी एक लोकप्रिय पर्यटन के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनका डिक्लेरेशन किया गया है। हाल ही में सारागढ़ी लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। अफगान, सिख बटालियन, ईस्ट इंडिया कंपनी, गोरखा बटालियन, मराठा रेजिमेंट और अफगान और ब्रिटिश गवर्नमेंट और राजपूत रेजिमेंट, बताएं क्या उत्तर होगा दोस्तों? दोस्तों देखिए, इसका उत्तर होगा अफगान और सिख बटालियन के बीच में यह लड़ाई हुई थी। ये बात है 1897 की। ये दुनिया के सैन्य इतिहास में इसका बहुत बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है दोस्तों। चलिए देखिए, जब सिखों ने जीता सारागढ़ी, आप देखेंगे इसे दिखाया गया था दोस्तों आपके एक फिल्म अभी अक्षय कुमार की आई थी, कौन सी फिल्म थी वो शायद मुझे नहीं दिमाग में आ रहा है। सारागढ़ी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना, ये जो गाना था, केसरी मूवी, राइट राइट राइट, केसरी केसरी मूवी, है ना, केसरी मूवी में इसी को दिखाया गया है। 21 सैनिक और 10 हजार अफगान लड़ाकों को उन्होंने पराजित कर दिया। सारागढ़ी पाकिस्तान के फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच पड़ने वाली एक पोस्ट थी। ठीक है, इन सभी 21 भारतीय सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था।
महाकवि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 11 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। आप देखिए सुब्रमण्यम भारती का जन्म 1882 में एट्टायरपुरम में हुआ था। ये तमिलनाडु में थुथुकुडी में स्थित है। और आप देखें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सुब्रमण्यम भारती के निबंध और कविताओं को महत्व दिया और दोस्तों इस दिवस को मनाया गया। अटल स्पेस चैलेंज 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह रक्षा मंत्रालय की तरफ से तरह DRDO की एक अनूठी पहल है। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 के विद्यार्थियों को डिजिटल युक्त तो संबंधी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। दोस्तों बताइए आंसर होगा दोस्तों इसका बी। आप सभी जल्दी देखते जाइए, केवल 2 सही है। क्योंकि आप देखिए भारतीय अनुसंधान संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, CBSE के साथ को रिलेटेड करके चलाया जाने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। ओके, अटल स्पेस चैलेंज, अटल स्पेस चैलेंज दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। आप सभी की बैचेस 15 तारीख से लॉन्च की गई हैं। आप सभी इस बैचेस में जल्दी जल्दी अपना एनरोलमेंट करा लें दोस्तों, अपना एडमिशन एनरोल करा लें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से फिर मिलूंगा आज दोपहर 3:30 बजे लर्निंग ऐप पे दोस्तों, लर्निंग ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों आज दोपहर 3:30 बजे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो का फीडबैक बताइए, कंटेंट क्वालिटी बताइएगा। अगर और सुधार करने की संभावना है तो आप सभी जरूर मुझे सूचित करिए दोस्तों, उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद आप सभी। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, जय हिंद जय भारत।